सप्ताह होम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ फिर एक नई रेसिपी लेके। वो रेसिपी है आम की खट्टी मीठी चटनी। तो आज मैं मसाले वाली बीमारी जो है हर घर में दोस्त, मैं आज सोच के आई हूँ उसको घर से निकालूंगी। तो देखिए, मैं आज बिना मसाले के, कम मसाले में एकदम परफेक्ट और बहुत ही लजीज चटनी बना के रेडी करूंगी। तो अगर बगैर मसाले का बहुत ही अच्छा चटनी बनेगा मेरा, तो मैं क्यों बगैर मसाला डाल के इसमें बीमारी को घर बुलाएं? तो बताइए क्या अच्छा होगा, मसाला डालें या ना डालें? मेरे लिए तो यही अच्छा है, मैं कम मसाले में बहुत ही अच्छा बनाऊंगी आम की चटनी। तो मेरे साथ आप बने रहिए, अगर सीखना है आपको तो आप बगैर स्किप किए हुए पूरे वीडियो देखिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ आम की चटनी। तो देख सकते हैं दोस्त, ये आम की कटी हुई छोटी छोटी पीस है, मैं इसको साफ कर ली हूँ पूरी तरह से, पानी देके वो धुल ली हूँ इसको। और ये है थोड़ी सी फोरन जो कि बहुत जरूरी है इसमें, ये है थोड़ी सी सौंफ। सामग्री के हिसाब से मेरा सामग्री थोड़ा कम है, अगर आपका ज्यादा है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये एक तेजपात है जिसको मैं दो टुकड़े में बांटती हूँ। ये है सौंफ, ये है साबुत जीरा, ये है थोड़ी सी मेथी, देख सकते हैं, ये है सरसों, और ये है दो लाल मिर्च। तो चले इधर मैं, देख सकते हैं आप कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ। तो देख सकते हैं मैं कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ, गैस के फ्लेम को कर दी ऑन, हाई फ्लेम में नहीं है, ये है लो लेवल में है। कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी सरसों ऑयल। तो दोस्त आप सरसों ऑयल में ही बनाए आम का चटनी। थोड़ा तेल को ऑयल को गर्म होने देती हूँ, उतना नहीं कम गर्म। तो देख सकते हैं उतना हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई मेरा थोड़ा जल्दी भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो मैं सारे ये फोरन जो रखी थी उसको डाल दी, अच्छे से पकने दूंगी फोरन को। देखिए दोस्त अच्छे से फोरन पक चुका है, मैं गैस के फ्लेम को रख ली हूँ मीडियम में, और ये ठंडा हो चुका है फोरन बिल्कुल, मैं इसको ठंडी कर ली हूँ, हल्की गर्म है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अब ये कटी हुई आम की। तो देख सकते हैं दोस्त मैंने तो दोस्त मैं इसमें अब डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जितनी सामग्री है उसी के हिसाब से, देख सकते हैं थोड़ी सी हल्की मैंने डाली, इसको मिला लेती हूँ। और नमक से पहले हल्दी मैं क्यों डाली, आपके मन में हो रहा होगा, तो आप नमक से पहले हल्दी मैं इसलिए डाली क्योंकि नमक से पहले हल्दी डालने से थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं अब डालूंगी इसमें नमक, हल्की सी थोड़ी सी नमक, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो रेसिपी खराब हो जाए, चटनी खराब हो जाए। तो मैं इसी तरह इसको अब मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, देख सकते हैं आप छोटी सी बर्तन है, इसको पूरा कवर करके ढक दी। तो चलते हैं दोस्त, 2 मिनट हो चुका है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं अब ये रेडी है, भून के 2 मिनट में ही रेडी हो गया है ये, अब ज़्यादा नहीं भूनना इनको। तो देख सकते हैं दोस्त ये है थोड़ी सी जीरे का पाउडर। तो मैं और कुछ नहीं, कोई भी मसाला नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ जीरे का पाउडर थोड़ी सी डाल रही हूँ। मसाला एक तो आम ज़्यादा ही गर्म होता है खुद, और उसमें गर्म मसाला डालने से, कुछ ज़्यादा मसाला डालने से कुछ ज़्यादा खराबी हो जाता है कभी कभी गर्मी के मौसम में, और खा के फिर कसता ऐसा काम नहीं करते हैं हम। तो चलिए दोस्त इसको थोड़ा सा भूनती हूँ मैं 1 मिनट के लिए। तो ये भून के रेडी है, मैं इसमें डालूँगी हल्की सी पानी, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी होगा। अब मैं थोड़ी सी उबाल का इंतजार करती हूँ, हल्की उबाल आ जाए इसमें। तो देखिए फ्रेंड इसमें उबाल आ चुकी है, मैं इसमें अब डालूंगी थोड़ी सी चीनी, 5 चम्मच की चीनी है। तो आप सामग्री के हिसाब से कितना मीठा खाते हैं चटनी में उसी के हिसाब से डालें। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो देखिए दोस्त मेरा चटनी बन, खट्टी मीठी चटनी एकदम बन के रेडी है। तो मैं इसको अब दूसरे बॉल में निकाल लेती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं दोस्त है कि नहीं, कि बड़ों के साथ बच्चे को भी मांग मांग के खाने वाले।
देखिए ये बहुत ही लजीज बना है, बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ है ये चटनी। तो आप इसी तरह से बनाएं, मेरे वीडियो पूरे देख के बगैर स्किप किए हुए। तो देखिए ये आम है, इसी का चटनी मैं बनाई थी। जब मैं ससुराल जाती हूँ तो देखिए जब भी जाती हूँ तो मेरे साथ इस चटनी ये चटनी के लिए मेरे को फरमाइश करती है और मैं बना के खिलाती हूँ, उसे बहुत पसंद है ये चटनी। तो एक बार फिर आप भी बना के खाइए और बना के खा के कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मेरे साथ बने वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, बाय।